Mitsuo the Purrman, Vicky! Hi, Purrman! Hi, guys! Hello! अब सिर पर ये जो आया ना, ये आईना देखने से नहीं जाएगा, समझे क्या? ऐसा मत कहो ना प्लीज। पहले से एक तो मैं दर्द में हूँ और तुमों की लोग क्या कहेंगे, ये बम मेरी लापरवाही से आया है, बाल भी नहीं टिक रहे। अरे क्या इस मास्क की वजह से वो बम तो छुप गया लेकिन हाथ तो वही जा रहा है, क्या करूँ, बहुत दर्द हो रहा है। ओए परमान, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कमाओ, सब कुछ ठीक है, फिर मिलते हैं, हाँ बाय बाय। आज तो मेरा बैड लक ही खराब है। चलो अब रिहर्सल करते हैं। सीन ये है कि तुम उस बिल्डिंग से भागते हुए आती हो और चिल्लाकर उस चोर को रुकने के लिए कहती हो, तुम्हें सीन समझ में आया ना? हाँ। ये मास्क निकालता हूँ, अब तो दर्द और भी बढ़ गया है, एक के ऊपर एक। सुमेरे थोड़ा और अंदर जाओ। हाँ हाँ। सुमेरे? परमान मुँह छुपाओ। मैंने उसे उसके असली रूप में देख लिया, लेकिन परमान की असलियत सिर्फ मेरे सामने खुली है। मैं भी तो एक परमान हूँ, उसे इसकी कोई सजा नहीं मिलेगी, परमान उसे जानवर नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर मैं ये बात परमान को बता देती हूँ तो मेरी असलियत सामने आ जाएगी। पता नहीं अब मुझे क्या करना चाहिए, ये बात मैं पायान या बूबी को भी तो नहीं बता सकती। अब मैं क्या करूं, मेरी असलियत सामने आ चुकी है और वो भी मिस सुमेरे को ही पता चला था। ओह नो बर्डमैन। बर्डमैन तुम्हारी सजा के लिए तैयार हो जाओ। इमा मादे नांदो का पिंच और नोरी कोई देखता के दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बर्डमैन मुझे जानवर बना कर ही छोड़ेंगे, अब क्या करूं? सुमेरे वो चोर वहाँ से भाग कर आएगा, समझ में आया? मुझे परमान को जल्दी ढूंढना होगा, तब तक मेरी रोबोट मेरा सीन कर लेगी, बस परमान को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। चलो चलकर देखते हैं कि परमान अपनी ड्यूटीज कैसे निभा रहे हैं। एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि मैं वाकई डॉगी बन चुका हूँ। पकड़ लिया। अजीब लड़का है, मैं तो बस इसे सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं, डर क्यों गया? बर्डमैन आ गए हैं मुझे जानवर बनाने के लिए, अब मेरी कहानी का दी एंड। मैंने इस धरती पर जो 10 साल बिताए हैं वो कितने अच्छे थे, मेरी सारी बातें, वो सुनहरी यादें। अब जबकि मैं जानवर बनने ही वाला हूँ तो क्यों ना मैं अपनी असलियत मम्मी पापा और मिचिको को बता ही दूँ, सर पर बोझ तो नहीं रहेगा। लेकिन मिचिको तो अपनी पियानो क्लास के लिए गई है, अगर कुछ अर्जेंट काम था तो तुम मुझे बता सकते हो। आपको क्या बताऊँ कि मैं परमान नहीं कुछ भी नहीं, बाय बाय। ये परमान आज कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। अब कुछ ही देर में मैं इंसान से जानवर बनने वाला हूँ। अगर मैं जानवर बनूं तो मैं बिल्ली बनना चाहूंगा, क्योंकि उसके पास तो दिन भर कुछ काम ही नहीं होता, बस बैठी रहती है। अरे हाय, कैसी हो? कुछ ही देर में मैं तुम्हारे जैसा बनने वाला हूँ। वो देखो परमान कितना सुस्त लग रहा है ना। मुझे तो लगता है कि उसके अंदर विटामिन्स की कमी है। मेरे डैड कहते हैं कि विटामिन्स की कमी से इंसान हमेशा सुस्त रहता है, वो भी ऐसे। तुम ऐसे क्या देख रहे हो, मेरे चेहरे पर क्या छिपकली लगी है? अरे ये क्या, बिल्ली ने भी मुंह मोड़ लिया। कबाओ और साबू मेरी सबसे अच्छी दोस्त, रुको मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। ना कहीं यूं तो कहीं दिसी हो। हमें संभल कर रहना होगा साबू, ऐसी हालत में लोग खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों मुझे तुमसे कुछ कहना है, दरअसल बात यह है कि परमान रुक जाओ। नहीं 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 परमान, अभी कुछ मत बोलो, चुप रहो। देखो पाको मेरे मामलों में दखल मत दो, मुझे बताने दो मैं कौन हूँ। जरा इसे देखो, लगता है इसे भी ये बीमारी हो गई है। चलो यहाँ से, वरना ये बीमारी हमें भी लग जाएगी। ये क्या कर रही हो तुम, मेरा पीछे क्यों कर रही हो, मुझे अपना काम करने दो ना। तुम जो सोच रहे हो वो गलत है,
लगता है इसकी उम्मीद ही छोड़ दी है। हर काम में टांग लड़ाती है। पको, क्यों, क्या हुआ? देखो मुझे मालूम है कि तुम, लगता है इसे मेरी असलियत का पता चल गया है कि तुम मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हो, है ना? बच गई। पापा, मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं कोई और नहीं बल्कि आपका मित्सुओ हूँ। हम दोनों के बीच एक ग्लास है, पापा को क्या खाक सुनाई देगा? चलो उन्हें दिखा दे। इतनी जल्दबाजी मत करो। अरे तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? देखो मुझे मिस सुमीरे ने बिना मास्क के देख लिया है, तो इसलिए मैं जानवर बनने से पहले ये बात सबको बता देना चाहता हूँ, समझे? एक्चुअली मैं ही मिस सुमीरे। मुझे मालूम है कि तुम मिस सुमीरे की अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि बर्डमैन पहले ही मुझे जानवर बनाने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। बर्डमैन यहाँ पहुँच चुके हैं? क्या हुआ तुम्हें, आज कुछ थके हुए से लग रहे हो? क्या बात है, तुमने मेरा होमवर्क पूरा किया? अरे ये क्या, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। तुम जानते हो आज के बाद तुम्हें ही मित्सुओ सुआ बनकर अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। लगता है मुझे सबको बुलाकर सबके सामने ये अनाउंसमेंट करनी होगी, तभी सबको पता चलेगा। तो ये बात है, ये कहानी है। प्लीज बर्डमैन मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, सब मुझ पर छोड़ दो। पता नहीं ये बर्डमैन क्या अनाउंस करने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट बात लगती है। सच्ची क्या? अरे हाँ, मुझे तो लगता है कि परमान की प्रमोशन होने वाली है, शायद वही सुनाने वाला होगा। क्या हो, प्रमोशन? ओ, प्रमोशन होने के बाद तो परमान मेरा और भी फेवरेट बन जाएगा। अब मेरा कंप्यूटर पूरी तरह से सेट हो गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, कई दिनों से मैं ये बात तुम सबको बताना चाहता था पर बता नहीं पाया, तो आज बता देता हूँ। देखो मैं 3, 2, 2 आज ये राज खुल कर ही रहेगा। 0 और ये सेंड। तो हमें ये बताना चाहता था कि वो गायब हो सकता है। लगता है ये कमाल की शक्ति उसे अभी अभी मिली है। हाँ दोस्तों, यही है मेरा असली रूप। कैसी लगी मेरी परफेक्ट टाइमिंग? बट मैन, जल्दी उड़ना शुरू करो नहीं तो नीचे गिर जाओगे। परमैन नंबर 1, मेरे साथ चलो। ठीक है। यही वो जगह है ना जहाँ मिस सुमेरे ने तुम्हें देखा था? मैं सिर के बम की वजह से परेशान था, इसलिए मैंने कुछ देर के लिए मास्क उतार लिया, तभी मिस सुमेरे ने देख लिया। तो जरा वो सीन दोबारा देखते हैं, पूरे ध्यान से स्विच ऑन करते हैं, ठीक है? अरे ये तो मैं हूँ। मैं आगे जाती हूँ सर। अरे ये तो देखा तुमने, सुमेरे ने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं था। तो उसने मेरा चेहरा देखा नहीं था, इसका मतलब है कि मैं जानवर नहीं बनूंगा। वो बच गया, मैं बच गया। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद जो तुमने कारनामे किए थे वो परमैन की हैसियत से बिल्कुल ठीक नहीं थे, समझे? नहीं 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 नहीं, प्लीज बर्डमैन। अब ये लो। हमारे प्लैनेट में इसे बम का इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे अपने सर पे लगा लो, तुम्हारा बम भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब सब ठीक हो गया है। बर्डमैन, आपकी रोबोट के वजह से मैं बच गई आज, थैंक यू। मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता रहता है, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ या कोई भी काम में रहूँ। ये धमाका कहाँ से हुआ? ये तो बर्डमैन है, क्या उसने हमारी बातें सुन ली होगी? अरे अगर वो इतना समझदार होता तो बार बार दीवार से क्यों टकराता सुमेरे? फिर से टकरा गया, जरूर एक और बम पाया होगा। इस बार तो मैं ये मास्क उतारूंगा ही नहीं। बर्डमैन वांट्स एन एनिमी, विक्की। बहुत सोच विचार के बाद हम लोगों ने तुम्हें चुना है सुपर हीरो बनने के लिए। तुम्हें जाकर एक टेररिस्ट ग्रुप को मार गिराना होगा जो हमारे देश के लिए खतरा बन सकते हैं, और इस बैच से तुम्हारी पावर 6600 टाइम्स बढ़ जाएगी। यस सर, मैं जरूर करूंगा। तो इस तरह सुपर हीरो का जन्म हुआ जिसने सारे टेररिस्ट को मार गिराया। ओहो क्या बढ़िया है। हा? जी को
एक्सीडेंट हुआ है, मैं अभी आता हूँ। हाँ बूबी, क्या हुआ है एक्सीडेंट? क्या इस लड़के ने 5 रुपए नदी में गिरा दिए, तो परमैन का फर्ज बनता है कि वो उसे कॉइन ढूंढ कर दे। लेकिन तुम भी तो ये काम कर सकते थे ना, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? आखिर तुम भी तो एक परमैन ही हो ना, तुम्हें मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? खुद ही कूद जाते नदी में और ढूंढते। क्या कहा? तुम अकेले नदी में भीगना नहीं चाहते थे? तुम्हें सर्दी लग जाती तो मुझे सर्दी हो जाती तो? बूबी तुम भी ना ऐसी बचकानी हरकतें क्यों करते हो? परमैन मेरे पैसे जल्दी ढूंढ कर लाओ ना। अभी लाता हूँ। बूबी तुम्हें तो देख लूंगा। ये लो तुम्हारा 5 रुपए का कॉइन। शुक्रिया परमैन, शुक्रिया बूबी। क्या काम खत्म हो गया तो जाना चाहते हो? इतना कर रहा हूँ कि दिन ब दिन सिकुड़ता ही जा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? परमैन नंबर वन, अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जब तक परमैन हो तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरे लगन और मेहनत के साथ करनी चाहिए, आया समझ में? मैंने अभी अभी तो एक ड्यूटी पूरी की है, वो करते हुए मेरे कपड़े गीले हुए थे इसलिए सुखा रहा था। ओ, तो ये बात है, तब ठीक है, बहुत अच्छा किया। परमैन प्लीज मुझे ये बताइए, आपने हमें परमैन क्यों बनाया? ताकि धरती पर सुख और शांति बने रहे। आपने हमें परमैन इसलिए बनाया क्योंकि कुछ बुरे लोग इस धरती पर राज करना चाहते थे? नहीं, ये वजह बिल्कुल नहीं थी। परमैन मुझे छुपाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सब मालूम है। आप मुझे भी सीक्रेट मिशन में शामिल कर लीजिए, हम सब मिलकर उन बुरे लोगों का खात्मा करेंगे। लेकिन ऐसा कोई मिशन है नहीं। मुझे कितने टाइम के बाद अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने का मौका मिला है परमैन, अब क्या बताऊँ आपको? ये ऐसा नहीं मानेगा, उसे लगता है वो अपने पावर से कुछ भी कर सकता है। आइडिया, मैंने अपने प्लेनेट में एक अद्भुत महल बनाया है, इसे वही ले चलता हूँ। सुनो परमैन। हाँ बोलिए। तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ बुरे लोगों का मुकाबला कर रहा हूँ और ये सीक्रेट मैंने सिर्फ तुम्हें ही बताया है, समझे? तो मेरा अंदाजा सही था। हाँ तुमने ठीक सोचा है, मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ जिसमें मैं उनके सीक्रेट बेस को उड़ा देने वाला हूँ और इस मिशन में तुम मेरे साथ रहोगे। चलो परमैन के आने से पहले मैं वो महल कंप्यूटर से बना देता हूँ, मेरी नई टेक्नोलॉजी से हम उसे छू भी सकते हैं। लो ये हो गया महल तैयार। वाह बहुत बढ़िया। परमैन आपका प्लेन तो बहुत फास्ट उड़ता है, मैं तो पीछे रह गया। परमैन वो देखो, वो रहा बदमाश गैंग का सीक्रेट बेस। इतना बड़ा सीक्रेट बेस? वो हमारी धरती पर राज करके हमें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो परमैन मेरे साथ चलो। ठीक है। ये गेट मैंने जानबूझकर कुछ ज्यादा ही हेवी बना दिया है ताकि परमैन इसे आसानी से खोल नहीं सके। देखो सावधान रहना। जी हाँ। उन्होंने हमला कर दिया, हम गन्स को नाकाम करते हैं पहले। जी हाँ बर्मैन। लगता है यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो। यही है वो बुरे लोग। बर्मैन इस गैंग के लीडर को हमें ढूंढना ही होगा। वो महल के अंदर छुपकर बैठा होगा, उसे हमारे आने की खबर मिल गई होगी और हमें फंसाने के लिए उसने प्लान्स भी बनाए होंगे। चलिए चले। कितनी अच्छी खुशबू है। हे बर्मैन, ये तो कुकीज जैसी दिखती है ना? मिस्टेक हो गई होगी, कुछ गलत बटन दब गए होंगे इसलिए कुकीज यहाँ पर दिख रही है।
झुको, नीचे झुको परमान। दिखने में तो ये कुकीज लगती है लेकिन ये असल में रिंग गन्स है जो काफी खतरनाक होती है। इसके लगने से आदमी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे तो ये कुकीज जैसी लग रही है। चलो यहाँ से, हमें इसके अंदर जाना है। ये क्या है? बर्डमैन, ये तो मुझे स्प्रिंग रोल जैसा दिखता है। अरे बेवकूफ, ये ऑटोमेटिक मिसाइल है जो स्प्रिंग रोल जैसे दिख रहा है। चलो इस रूम से बाहर निकलते हैं। बूबी, तो तुम ये कहना चाहते हो कि परमान और बर्डमैन यहाँ तक आए थे और दोनों बहुत गुस्से में थे और जल्दी जल्दी चले गए? ये तो बर्डमैन का प्लेन है। लगता है दोनों मुसीबत में होंगे। बूबी, तुम देखो कि प्लेन में क्या प्रॉब्लम है और मैं जाकर उस कासर में क्या प्रॉब्लम है वो देखती हूँ। चलो जल्दी भागो बर्डमैन। तो तुम आ गए बर्डमैन, बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बुरा वहाँ पर। अरे ये हम कहाँ गए? नो, लगता है कंप्यूटर इमेज में गड़बड़ी हो गई है। बैटमैन, मुझे तो लगता है वो हमारे साथ जादुई खेल खेल रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे हम ये पानी में कैसे आ गए? लगता है प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बढ़ गई है, मुझे प्लेन में वापस जाना होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पाको! पर मैं तुम यहाँ? मैं समझ गया हूँ कि तुम ही वो गैंग की लीडर हो। तुमने पाको बनने की जरूरत कैसे की? बस अब बहुत हो गया। सारा प्लान चौपट हो गया। वेरी सॉरी, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? पहले मारो फिर पूछो दर्द हो रहा है क्या? क्या तो तुम ये कह रहे हो कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने गलती से सारे बटन दबा दिए बूबी? बच्चों, ये सब मेरी गलती है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। मुझे लग रहा था कि तुम काफी परेशान हो और तुम्हारी ड्यूटी पर भी असर पड़ रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे बड़ी खुशी होगी जब मैं उन टेररिस्ट को खत्म कर डालूंगा। लेकिन परमान, तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी कि कोई ऐसा गैंग नहीं है जो हमारे धरती पर कब्जा करना चाहता है। शायद तुम सही हो। मेरी बात मानो तो अच्छा यही होगा कि हम मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करें। आगे से अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना, समझे? ठीक है। अपनी ड्यूटी खत्म करके घर चले जाना। मैं अपने प्लैनेट पे जाके अपनी ड्यूटी करता हूँ। वहाँ पर मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक मिनट। बर्डमैन, मैं समझ गया, हमारे दुश्मन इस धरती पर हमला नहीं करेंगे, शायद वो स्पेस पर हमला करेंगे। बर्डमैन, मैं जानता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ ना बर्डमैन? मुझे कुछ नहीं पता। बर्डमैन, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपकी मदद करूँगा। ये नहीं सुधरेगा। रुक जाइए। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ूंगा नहीं। पहले मुझे तो छोड़ो।